इस TNC पे हम बात करेंगे कि आखिर सफलता की ऐसी क्या शर्तें हैं जो पता चल जाए तो कोई भी व्यक्ति एक दो चार क्या लाइन लगा दे। अभी बहुत स्टूडेंट मिलते हैं, 6 सिलेक्शंस हो गए, 10 सिलेक्शंस हो गए, 12 सिलेक्शंस हो गए, अभी भी चल ही रहा है। वहीं मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो 26 साल हो गई उम्र, 27 साल हो गई, 28 साल हो गई, उससे ज्यादा हो गई, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है ना। एक व्यक्ति आया, 1-1.5 साल उसने पढ़ाई करी, सिलेक्शन लेकर वो आगे बढ़ गया बेचारा। एक दूसरा है जो 4 साल हो गए और वो यही सोच के बैठा है कि यार मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो भगवान किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा है, भगवान सबके लिए बढ़िया कर रहा है। और आपको अगर ये नहीं पता चला है तो आप भटकते ही रहोगे, टाइम पास करते जाओगे, टाइम बेकार करते जाओगे, 30-32 साल की उम्र में आगे निकल जाओगे, फिर बोलोगे यार काश ये चीज कोई हमें 22-23 की उम्र में समझा देता। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बहुत क्लियर करना चाहता हूं, है ना, सबसे कठिन काम जो है मेरी नजर में, है ना, सबसे कठिन काम जो मुझे लगता है, उस काम को करना जिसमें आपको मजा आए या ना आए उसे करना है, ठीक है। मैं देखो, मैं खुद आपको बता रहा हूं, पढ़ना किसी को पसंद नहीं है यार, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, है ना, बहुत कम लोग, कुछ लोग को होता होगा, कुछ लोग को अच्छा लगता होगा, लेकिन पढ़ना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। रोज 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना है, किसको पसंद है और कितना पढ़े, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, है ना। एक चीज डेवलप करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फोकस। आज की जो युवा पीढ़ी है यानी आप के अंदर फोकस की बहुत कमी है। फोकस को एक और शब्द हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आपका मन किसी एक चीज पे लगता ही नहीं, ठीक है, और खासकर पढ़ाई में तो लगता ही नहीं। 1 घंटे पढ़ेंगे तो 2 घंटे आराम करेंगे या मोबाइल चलाएंगे, फिर आधे घंटे पढ़ेंगे 3 घंटे मोबाइल चलाएंगे। फोकस करना बहुत जरूरी है जो कि हमारे अंदर नहीं है, है ना। तो भाई पहला मैंने आपसे क्या कहा, मजा आए या ना आए आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है फोकस, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। आप एक चीज समझो, ये सारे वो काम हैं जो बहुत कठिन माने जाते हैं, एक्चुअल में कठिन है नहीं पर इनको करना आसान भी नहीं है। अगर आपने इन कामों को कर लिया, आज खुद से एक ही बात कहिए, और मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें 90% लोगों के साथ समस्या है, 90% लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं। और इसकी बात निकली है तो एक और लिख लेते हैं अपन, सोशल मीडिया, है ना, हालांकि वो फोकस का ही एक पार्ट है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो 100 में से 90 लोगों से नहीं करते बनता। आपने अगर ये कर लिया तो आप अपने आप उन 10% सफल लोगों में आ जाओगे, उन 10% टॉपर्स में आ जाओगे जिनका रास्ता एकदम क्लियर है और जहां पे कंपटीशन है ही नहीं। एक तरफ भीड़ है, एक तरफ गधे घोड़े सब दौड़ रहे हैं, है ना, और एक तरफ बढ़िया हाईवे बना है और आपके पास कार है और उसमें चलते जाना है, पर उसके नियम है और ये नियम हर किसी से फॉलो नहीं होते।